हेलो फ्रेंड्स, फ्लेवर्स ऑफ किचन में एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और करवा चौथ आ रहा है, और करवा चौथ पे ज्यादातर लोगों के घरों में बायना दिया जाता है सास को। तो बायने में दी जाने वाली मीठी मठरी या मीठे सवाल की रेसिपी आज हम यहाँ पे बनाएंगे, जो बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार होगी और बहुत आसानी से घर में बन जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मीठी मठरी। यहाँ पर मैंने 2 कप लिया है मैदा, मैदा को छान लिया था, और आधा कप हम मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ देसी घी का। मोयन यहाँ पे हम देसी घी का ही लगाएंगे। अब हल्के गर्म पानी से इसका हम आटा मल लेंगे। तो जो यहाँ पे डो मलना है वो थोड़ा टाइट होना चाहिए और कम पानी का यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख सकते हैं डो बिल्कुल तैयार है, इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। चाशनी के लिए मैंने 1 कप चीनी ले ली है, और 1 कप चीनी में मैं 1/2 कप पानी का इस्तेमाल यहाँ पे करूंगी। दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा 1 नींबू का स्लाइस, 2 हरी इलायची और 10 से 12 केसर के धागे। 10 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। 10 मिनट बाद हमारी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार है। हमें 1 तार की यहाँ पे चाशनी बनानी है। तो चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई। अब डो चेक कर लेते हैं, तो डो भी बिल्कुल सेट हो गया है। छोटी छोटी इसकी इक्वल साइज की लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये जो मीठे सोहाल होते हैं, ये थोड़ी सी मोटी बनती है मठरी, तो अब हम इसको बेल लेते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगर आपको बड़े मीठे सोहाल बनाने हैं तो आप बड़े साइज के बना सकते हो। मैं थोड़े मीडियम साइज के यहाँ पे बना रही हूँ, ना ज्यादा छोटे और ना ज्यादा बड़े। तो अब इस तरह से हमने इसको बेल लिया है, और फोक की सहायता से हम इसमें छोटे छोटे से छेद कर देंगे जिससे कि फूले ना। तो सारे सोहाल की मठरी हमने यहाँ पे बनाकर तैयार कर ली है। अब हम गैस पे रख देंगे ऑयल गर्म होने के लिए। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा उसमें हम ये मठरियाँ डाल देंगे सिकने के लिए। यहाँ पे फ्लेम हमें बिल्कुल हाई नहीं रखनी है, लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन मठरियों को तलेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पे ये कच्ची रह जाएंगी अंदर से। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 5 से 6 ही मठरी डाली है तेल में। अब हम इसको जैसी थोड़ी सी सिकनी स्टार्ट होगी इसको पलटना स्टार्ट करेंगे। एकदम में नहीं पलटनी है, क्योंकि कच्ची होती है मठरी तो बीच में से टूट जाती है। तो आप देख सकते हैं मठरियाँ बिल्कुल सिक गई हैं, और इन्हें हमने अब बाहर निकाल लिया है। इसी तरह से मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है। फ्रेंड्स, अब हमने जो चाशनी बनाई थी उसमें मैं 1-1 मठरी डाल के दोनों तरफ से इसे चाशनी में कर दूंगी कोट। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी चाशनी बनी थी। बिल्कुल हमें इसके ऊपर ज़्यादा शुगर सिर्प नहीं चाहिए, वो फिर बहुत ज़्यादा चीनी आती है तो वो सोहाल भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। आप चाहो तो 2-2, 3-3 मठरी खट्टी डाल के भी चाशनी में कोट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी मठरी बनाकर तैयार कर ली है, चाशनी में कोट कर दी हैं। अब हम इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे, क्योंकि ये हमें बायने में देनी है, कईयों को अपने यहाँ सिंधारे में देनी होती है। तो इसको मैं खरबूजे की गिदी, यानी कि खरबूजे के बीज आते हैं, मेलन सीड्स और साथ में पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हो। और आपने देखा फ्रेंड्स, ये कितनी आसानी से घर में बनके तैयार हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती हैं खाने में। इस बार आप अपने घर में इस मठरी को ज़रूर बनाइए, सिंधारे में अपनी बेटी को दीजिए, बहुओं को दीजिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर कमेंट नहीं करा तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय।